हेलो फ्रेंड्स, तो आज हमें चाउमैला पैलेस पे और इस पूरे ब्लॉग में हम आपको पूरा चाउमैला पैलेस घुमाएंगे और उसके साथ साथ उसकी हिस्ट्री भी बताएंगे। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं। तो फ्रेंड्स, चाउमैला पैलेस मीन्स कि चार महल, जिसमें अफजल महल, मेहताब महल, तहनियत महल और आफ्ताब महल आता है। और फ्रेंड्स, चाउमैला पैलेस का कंस्ट्रक्शन 1750 में स्टार्ट हुआ था और कम्प्लीट हुआ था 1880 में। तो फ्रेंड्स, अभी आप देख रहे हैं खिलवत मुबारक, जो कि हार्ट ऑफ द पैलेस भी बोला जाता था। आसिफ जाह डायनेस्टी की एक्चुअल सीट थी है, जब वो यहाँ पे रूल कर रहे थे हैदराबाद में। बड़े बड़े जितने भी डिप्लोमेट्स थे उस टाइम पे के अंदर बैठ के डिस्कशन करते थे ड्यूरिंग निजाम रूल के टाइम पे। और ये आसिफ जाह डायनेस्टी के रूल के टाइम पे उनका ऑफिशियल घर भी था। तो फ्रेंड्स, आसिफ जाह सेवेंथ, जिनका नाम मीर उस्मान अली खान था, वो वर्ल्ड रिचेस्ट मैन थे फ्रेंड्स उस टाइम पे। ये 18th सेंचुरी मैप्स है जो चौमेला पैलेस का कलेक्शन है। यहाँ पे आपको दौलताबाद फोर्ट और गोलकुंडा फोर्ट का भी मैप दिखेगा। और फ्रेंड्स, ये क्लोथ के ऊपर हैंड पेंटेड करके बनाया गया है मैप। और निजाम्स की अपनी करेंसी होती थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं उनकी करेंसी। तो फ्रेंड्स, मीर उस्मान अली खान पहले इंडियन रूलर थे जिनके प्रिविलेज पे 21 गन सल्यूट का सिग्नल दिया जाता था जब भी वो ब्रिटिश एम्पायर पे एंट्री करते थे। और फ्रेंड्स, ऐसा भी कहा जाता है जब इंडियन नेशनल डिफेंस को फंडिंग होनी थी तो उस टाइम पे निजाम्स ने 5000 केजी सोना इंडियन आर्मी को दिया था। तो फ्रेंड्स, चैरिटी देना आसिफ जाह डायनेस्टी का हॉलमार्क था। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्रोकरी सेक्शन है निजाम का, बहुत एक्सपेंसिव क्रोकरी थी उस टाइम पे। और फ्रेंड्स, ऐसा भी बोला जाता है कि निजाम के पास ऐसे भी गिलास थे जिसपे अगर कोई पॉइजन या जहर डालेगा तो उस गिलास का कलर चेंज हो जाएगा, जिससे उनको आइडिया लग जाएगा कि इस गिलास में जहर है। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं निजाम की आर्मी की यूनिफॉर्म है। और निजाम की आर्मी को बहुत हार्डकोर आर्मी बोला जाता था, बहुत सी फाइट्स को उन्होंने विन किया था। और फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे जितने भी आर्मर है ये निजाम के आर्मी के आर्मर थे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आर्मर आप देख रहे हो केवल इंडिया में ही नहीं बनते थे, बल्कि ईरान, टर्की और अफगानिस्तान से भी आते थे। और बाद में यूरोपियन और इंग्लिश आर्मर्स भी यहाँ पे यूज करते थे। कि उनके वेपन्स में जो भी स्टील यूज किया गया है वो वर्ल्ड का फाइनेस्ट स्टील होता था और बहुत ही एक्सपेंसिव भी होता था फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, चौमहला पैलेस 45 एकड़ तक फैला हुआ है। मेहताब महल में एंट्री अलाउ नहीं थी। और फ्रेंड्स, सबसे पहले अफजल महल बना था, उसके बाद बाकी महल्स बने थे। और फ्रेंड्स, यहाँ पे पंडित नेहरू जी, बहुत बड़े बड़े डिप्लोमेट्स जो थे इंडिया के, वो यहाँ पे आके निजाम्स के साथ डिस्कशन करते थे। Oh.
तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख रहे होंगे निजाम्स की रॉयल कार्स। आप इन कार्स को देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही एक्सपेंसिव कार थी उस टाइम पे, और अगर हम आज के ज़माने पे इनकी कीमत देखें, करोड़ों में इनकी कीमत होगी। उस टाइम पे आप देखिए ये निजाम्स इन कार्स को यूज़ किया करते थे, तो आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि निज़ाम कितने रॉयल तरीके से रहते थे। आप इन कार्स पे निज़ाम का एम्बलम भी देखेंगे। तो फ्रेंड्स चाओ मैला पैलेस के लोकेशन का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और यहाँ का टिकट प्राइस भी अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स 30 मार्क खान स्टोरी आपने सुनी होगी, जो कि आसिफ जाह 6 के नाम पे है। उनका पूरा नाम था मीर महबूब अली खान बहादुर। ऐसा कहा जाता था कि उस टाइम पे उन्होंने 30 शेरों का शिकार किया था, इस वजह से उनका नाम 30 मार खान रखा गया था। तहनियत महल में भी एंट्री अलाउ नहीं थी। तो फ्रेंड्स सती प्रथा, जो कि इंडिया में 1829 पे बैन हुआ था, आसिफ जाह 4th के टाइम पे उसको हैदराबाद में बैन किया गया था, और हैदराबाद फर्स्ट प्रिंसली स्टेट था जिसने इस प्रथा को बैन किया। ये क्लॉक टावर है जिसको खिलावत क्लॉक के नाम से भी जाना जाता है। इस क्लॉक की एक्यूरेसी इतनी करेक्ट थी कि फ्रेंड्स वहाँ के जो लोकल्स थे वो इस घड़ी को देख के अपनी वॉच का टाइम सेट करते थे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये बहुत ही ओल्ड ट्री है जो कि चाओ मैला पैलेस में है। तो फ्रेंड्स ये चाओ मैला पैलेस का ब्लॉग था। तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ आपको भी ये चाओ मैला पैलेस उतना ही अच्छा लगा होगा जितना हमें अच्छा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो फ्रेंड्स, तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना चैनल को। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।